Hello dear, welcome to all of you once again. Today we are going to discuss about the noun case. आज हम noun संज्ञा के अगले हिस्से case means कारक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. दोस्तों, हिंदी में कारक, संस्कृत में कारक आप पढ़े होंगे. As usual वही कारक यहाँ पे जो आठ भागों में था उसको चार भागों में डिवाइड करके बताया जा रहा है. जो बेस, जो मीनिंग हिंदी में कारक का बनता है, ठीक वही अर्थ इंग्लिश में भी कारक का बन रहा है. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा गया है चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वही कारक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है. तो मैंने कारक के अंतर्गत आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनाया है, जिसमें कि मैंने कारक के नाम भी लिखे हैं. उन कारक का अलग अलग रूपों में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. प्रेजेंट वीडियो में हम केवल कारक के पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि कॉलम नंबर वन में आप देखिए पर्सन लिखा हुआ है. पर्सन मतलब व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष में आता है, सेकंड पर्सन उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन मध्यम में. तो यहां वे फर्स्ट पर्सन के बारे में और सेकंड थर्ड के बारे में जानते हैं. जैसे मैं, तुम और वो, ये तीन लोग होते हैं किसी भी कारक को पूर्ण करने में. तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है डियर, आई वी, ओके. एंड इन सेकेंड पर्सन यू, इन थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ओके. जैसा कि आप पहले लाइन में देख रहे हो. अब हम ऊपर की लाइन में चलते हैं. पर्सन के बाद लिखा है सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, शोइंग पोजिशन एंड नेक्स्ट इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके. तो ये चार भागों में डिवाइड किया गया है, बट स्पेशली ये तीन रूपों में है, सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में, और शोइंग पोजिशन में अधिकार के लिए आने वाले शब्द, और इम्फैटिक और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है. अब इनमें फर्स्ट पर्सन आई और वी को कैसे कन्वर्ट किया गया है आप देखिए. आई का ऑब्जेक्ट, आई जो है वो सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मी और अस आता है कर्म के रूप में, और अधिकार प्रकट करने के लिए दो है, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक प्रोनाउंस के रूप में. तो एडजेक्टिव के रूप में माई और माइन है, आवर और आवर्स है, और इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका माई सेल्फ आवर सेल्फ है. सेकेंड पर्सन यू, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों सेम. अधिकार प्रकट करने के लिए योर और योर्स का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव और प्रोनाउंस के रूप में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में योर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है. जैसा कि रेड कलर में आप देख रहे हो, उसमें दिया गया है दाऊ, जो कि बहुत पहले इंग्लैंड में इसका यूज किया जाता था. सबसे ज्यादा इसका प्रयोग जफरी चासर ने अपनी पोएट्री में किया है, जो कि पोएट्री के जनक जाने जाते हैं. तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका कि अर्थ भी प्रयोग किया जाता है, और स्पेशली इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी, जफरी चासर और तमाम ऐसे कवि हैं जो आज भी इनके प्रयोग कर रहे हैं, आज के भी कवि और उस टाइम के भी कवि और राइटर इनका प्रयोग किए हैं इन शब्दों का. दाऊ, दी, दाई, दाइन, दाई सेल्फ, ये आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सो इम्पोजिशन और इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आपका सब्जेक्ट के रूप में, उसका ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट, देम, और अधिकार प्रकट करने के लिए हिज का हिज और हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, देयर्स का प्रयोग किया जाता है. इन द लास्ट इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थर्ड पर्सन को हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्सेल्फ, देमसेल्फ और देमसेल्फ्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं.
तो डियर इनका डिटेल में हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और शोइंग पोजेशन इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अलग अलग अध्ययन किया जाएगा। इनका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको बताया जाएगा। आप एक बात और नोट कर लीजिए कि इस चार्ट का प्रयोग, अर्थात ये जो मैं बनाया हूं, इसका प्रयोग नरेशन में बहुत ही उम्दा रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नरेशन को आसानी से समझने के लिए इस चार्ट का प्रयोग आपको समझना बहुत जरूरी है। तो डियर आशा करते हैं कि आपके ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव केस के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ। ओके, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।